तो देख सकते हैं आज मैंने इस चूड़ीदार की सिलाई बताई हूँ, तो कितनी बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं आप चूड़ी आई है बहुत ही, इसकी फिटिंग कितनी अच्छी आई है आप देखिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और किस तरीके से मैंने बनाया है आप लास्ट तक पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही आसान ट्रिक से मैंने इसकी कटिंग और सिलाई दोनों बताई है। तो इस वीडियो में सिर्फ मैंने सिलाई का भी ट्यूटोरियल डाला है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें देखिए कपड़े जो मैंने जॉइंट यहाँ पर कट के काटा था, ये देखो एक बड़ा जॉइंट आया है और एक छोटा जॉइंट आया है, ये देखिए। तो हमें इसे कैसे अटैच करना है, सबसे पहले हम ये देखिए जो छोटा वाला जॉइंट है इसे यहाँ पे रखना है बरोबर, और यहाँ पर टाचनी पिन लगाना है। कैसे लगाएंगे टाचनी पिन, ये देखिए हमें ये इसे पकड़ना है, एक ऊपर का पार्ट उठाना है और एक इसे उठाना है। अब इसे हमें इस तरीके से जॉइन करना है, यहाँ पर हम ये टाचनी लगा देंगे। अब इसको इधर रखेंगे और इसको भी हम इस तरीके से यहाँ पर टाचनी लगाएंगे। तो देखिए ये दोनों जो जॉइंट है सिलाई आएगी तो वो दोनों बाहर को जाएगी, ये दोनों अंदर की हो गई। सेम इसी तरीके से हमें इस पार्ट में भी लगाने बड़े वाले में। तो देखिए इसे हमें वापस से ऐसे रख देना है, बरोबर चेक करके ही लगाना है कि हाँ ये जॉइंट बरोबर है रखा है। अब यहाँ पे वापस से टाचनी पिन लगा देंगे इसमें। और इसे भी ऐसे लगाना है। तो ये अब लगने के बाद में हमें सिलाई करना है, बस सीधी सीधी सिलाई मार देनी है। अब टाचनी को निकाल लेंगे। इसे दाब सिलाई मारेंगे। अब दाब सिलाई हमें एक दाब पे रखनी है, यहाँ से देखेंगे तो ये फुटर के हिसाब से एक दाब की मार्जिंग आएगी। तो ये देखिए जॉइंट हो चुका है। अब इसे ये हमारा जो दूसरा पार्ट है, जितने पिन लगे हुए हैं सबको हमें इसी तरीके से करना है सिलाई। सभी धाबों को ऊपर की तरफ ही लगाना है। अब सेम दूसरे दो पार्ट है, इसको भी मैं वैसे ही सिल के लूंगी। तो देखिए ये मैंने सारे पल्लों में सिलाई मार के ले लिया है ये। अब हमें क्या करना है, इसे मेजर करके लेना है। थोड़ा सा मैं इसमें जॉइंट लगाने के बाद में यहाँ पर फिनिशिंग देना होता है। तो यहाँ पर देखिए जितना आएगा यहाँ पर हमारा ये आसन, जैसे कि इसमें आ रहा है 13 इंची, तो 13 इंच यहाँ पर भी रखना है। पूरा मेरा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पड़ रहा है मैं उससे कट कर दूंगी, बस इसकी चौड़ाई मेजर करनी है बाकी कुछ भी नहीं। फिर इसे छाट देंगे हम। ये देखिए अब ये हमारा 2 इंची जो इलास्टिक के लिए रखे थे वो है। तो इलास्टिक अगर आपको डालना है तो आप डायरेक्ट इसे सिलाई कर सकते हो ऐसे, और अगर इलास्टिक नहीं डालना है तो नाड़ी डालना है तो कैसे डालना है वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं मियानी काटती हूँ, मियानी मैंने नहीं कट किया था। तो देखिए मेरे पास एक टुकड़ा है, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है डबल, और यहाँ से हम 3 इंच चौड़ाई, अब यहाँ से 7 इंची लंबाई, इसे हम ऐसे मैच कर देंगे।
यहाँ से हल्का सा राउंड ले लेना है। तो देखिए मियानी कट गई है। तो अब हमें यहाँ पर ये दो पार्ट में पहले ऐसे पिन लगा लेना होगा, इसे दोनों अलग कर देंगे। अब यहाँ पर एक पार्ट को ऐसे खोलना है और हमें मियानी को यहाँ पे रखना है, यहाँ नीचे, और ऐसे सिलाई मारनी है ऊपर। यहाँ पे दाब सिलाई मार दे ऐसे। अब हमें ऊपर से सिलाई करनी है। अब यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर इस मियानी पे ऐसे हाथ रखना है और इसे ऐसे कर लेना सीधा, ये तिरछी होती है ऐसे, तो इसे ऐसे करना है और फिर हमें इसे सीधी सिलाई मार देनी है। ये हमारा एक तरफ का हो चुका है, अब दूसरी तरफ में करना है। तो एक तरफ तो हमें प्लेन रखना है और एक तरफ में हमें डोरी डालने का बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लगभग 1 इंची की दूरी पर सिलाई लगाएंगे और यहाँ से 1 इंच और यहाँ से सीधी मारेंगे, फिर यहाँ पर 1 इंच का गैप देंगे ऐसे, और फिर यहाँ से हम ऐसे सीधा सिलाई मारते हुए आ जाएंगे। यहाँ पे पक्का करके लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ भी पक्का, अब सीधा सिलाई मारते हुए आएंगे। उसके पहले हमें क्या करना है, ये तो मैंने इसका बता दिया है आपको। सबसे पहले इससे भी पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मियानी लगा लेना है। तो मियानी लगाने का तरीका मैंने बताया आपको। अब हमें यहाँ से सीधी सिलाई मारते हुए आ जानी है। यहाँ पे अगर ये छोटा हो तो हल्का सा खींच के भी ले सकते हैं। इसे डबल सिलाई मार के लेंगे। अभी जो धागा है इसे कट कर देंगे। अब इसे खोल करके ऐसे यहाँ से हमें इसे ऐसे कवर करना है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से मैंने कर दिया यहाँ पे। ये आगे से देखिए। अब यहाँ से ऐसे 1/4 इंची या 1/2 इंच इस तरीके से दबा करके हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये देख सकते हैं ये हमारा नाड़ी का पार्ट खुल गया है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए पूरी सिलाई लगा के लेनी है। और सिलाई लगाते समय खींचना नहीं है, बस कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करके सामने एकदम रखना है। तो ये मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है सिलाई। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी। तो ये देखिए, ये मैंने सिलाई मार के लिया इसका। ये देखिए ये भी निकल चुका है। ये जो धागे निकलेंगे इसे आपको कट कर देना है। अब हमें क्या करना है, ये जो इसका सिलाई कटिंग करते समय ये हमारा निशान आया था, ये आप देख सकते हो निशान आया है। तो हमें
इस पैर में भी निशान वैसे ही सेम लगा के लेना है। डेढ़ डेढ़ इंच का मैंने सिलाई में निशान छोड़ा था जितना, उतना ही सेम यहाँ पर भी छोड़ना निशान लेना, ताकि हम एक बराबर सिलाई मारे। यहाँ पे हमारा कट बनेगा। अब आपको एक काम और करके लेना है, जैसे कि हम सिलाई मारते तो एक पार्ट कभी खींच जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए हमें बरोबर यहाँ पर एक टाचनी लगा लेना है। तो उससे क्या होगा कि आपका बरोबर वो कपड़ा आगे पीछे नहीं होगा, एकदम बरोबर आ जाएगा। अब हम यहाँ से सिलाई मार के लेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरीके से खींचना होता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा ये कपड़ा उरेबी में कटा होता है तो उसके वजह से कपड़ा तनता है। तो अगर हम इस तरीके से खींच के लेंगे तो पहनने के बाद में जो है सिलाई टूटेगी नहीं। ये अब हमारी सिलाई टूट चुकी है, अब हमें इसी पर एक पक्की सिलाई चलानी है। और कपड़े को आप खींच के रखना है। तो ये डबल सिलाई मैंने मार दिया है। अब हमें यहाँ पे कट बनाना है। तो कट कैसे बनाएंगे, तो हमें जैसा हुकाई पट्टी बनाते हैं उस तरीके से हमें करना है इसमें। तो एक पार्ट को हमें जो हमारे देखिए निशान आया है यहाँ पर, इस तरीके से फोल्ड करके हमें यहीं पर लाना है, इस निशान पर लेके आना है। और इस तरफ वाले पार्ट को क्या करना है, जो हमारा ये निशान है सिलाई आई है, हमें इसे फोल्ड करके पूरा अंदर डाल देना है। मतलब इसे बाहर नहीं दिखाना, ये पूरा ही मुड़ के पूरा अंदर जाएगा और ये वाला बाहर रहेगा, जैसे आई पट्टी में कपड़े बाहर होते हैं वैसे। तो अभी मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए ये देखिए, ये जो कपड़ा है मेरा, मैं इसे फोल्ड करने के बाद में इस सिलाई के पास में ला रही हूँ यहाँ पर। ये देख सकते हैं कपड़ा मेरा ये सिलाई के बाहर निकला हुआ है। अब इसको हम यहीं से फोल्ड करेंगे पूरा ऐसे, इस तरीके से। ये देखिए पूरा ये अंदर जा रहा है। अब हमें इस ये जो देखिए एक अंदर है एक बाहर निकला हुआ है, इसे हमें एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देना है ऐसे, इस तरीके से। और यहाँ पे एक सिलाई मारनी है। अब हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है आधा इंच, और एक बार और हमें किनारे पे सिलाई चलानी है। तो ये देख सकते हैं सिलाई इस तरीके से मारनी है। अब सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी करेंगे। तो देखिए मैंने दोनों तरफ कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हमें एक काम और करना है कि यहाँ पर कट लगाना है। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड में पकड़ना है, राइट हैंड में कैंची, और इसे इस तरीके से हमें कट लगाना है। तो इस तरीके से कट लगाने से आपका जो धागा निकलता है यहाँ पर, वो धागा नहीं निकलेगा। कोई भी कपड़ा हो अगर इस तरीके से कट लगाएंगे तो धागा नहीं निकलता है। इसे मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ।
तो देखिए इस तरीके से कट लगाने के बाद में ये हमारा कंप्लीट हो जाता है सलवार। और इस तरीके से कट आप ड्रेस में भी लगा सकते हो, अगर वरलॉक उसमें नहीं मार रहे हैं तो इससे फिटिंग भी अच्छी आती है और धागा भी नहीं निकलता है। तो ये देखिए ये मेरा 2.5 मीटर कपड़े में से अभी इतना कपड़ा बचा भी है, देख सकते हैं। इसमें मैं आपको डोरी बनाना बताती हूँ। नाड़ा यहाँ से 2 इंच चौड़ी पट्टी कट करनी है, जितनी आपको लंबी डोरी डालनी हो उतनी आप कट कर सकते हो। अब हमें इसे जॉइंट करना है, तो जॉइंट करने के लिए कभी भी इस तरीके से सीधा सिलाई नहीं मारने का, कभी भी इस तरीके से तिरछी सिलाई मारनी होती है। इससे क्या होता है डोरी आपकी कभी भी अलग नहीं होगी, इस तरीके से अगर जॉइंट करेंगे तो कभी भी वो टूट जाती है सेंटर से। तो यहाँ से इस तरीके से तिरछा अब ये फिक्स हो गई और आपकी जो सिलाई है वो एक जगह पर भी नहीं पड़ेगी। ये सिलाई भी इससे बहुत फ़ायदा रहता है तिरछा सिलाई मारने का भी। अब यहाँ से हम इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे, यहाँ से भी एक बार ये सेंटर, अब इसको एक बार और, तो एक पूरा कवर हो गया। इस तरीके से अब हमें बीच में सिलाई चलानी है। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से डोरी में सिलाई आ रही है। अब पूरी मैं इसी तरीके से कंप्लीट कर ले। तो देखिए ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखिए जाएगा तुम्हें बता। तो ये देखिए मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसमें आपको ये प्रेस बटन किस तरीके से लगाएंगे ये बताती हूँ। तो हमें सुई में 4 धागा डालना है इस तरीके से, एक गांठ लगाएंगे। तो देख यहाँ पर हमें जो ये हमारा ऊपर का पार्ट है ये वाला, इसे हमें ऊपर लगाना है इधर पे। तो हमारा लग गया इसी तरीके से, दूसरी तरफ भी लगाएंगे। तो देखिए ये मेरी पूरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। ये जॉइंट जो छोटा वाला जॉइंट है इसे मैंने आगे की तरफ लिया है। अगर आप चाहें तो ये जो बड़ा वाला जॉइंट है इसे भी आप आगे की तरफ रख सकते हैं, आपके ऊपर कि आपको कौन सा जॉइंट आगे की तरफ रखना है। जो भी जॉइंट आगे की तरफ रखना है बस वहाँ पर हमें डोरी डालने का ये जगह बनाना है और ये हमारा आगे आ जाएगा। तो देख सकते हैं मियानी भी कितना बेहतरीन तरीके से लगा हुआ है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लुक है। और ये भी बन गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपके लिए मैं और भी अच्छे अच्छे जानकारी लेकर के आ सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।